नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। दर्शकों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं रोजमर्रा की लाइफ में पेश आने वाली इन तमाम बीमारियों के बारे में कि आप उन बीमारियों से कैसे अवगत हो सकते हैं, कैसे आप उन बीमारियों से बच सकते हैं। इसी के साथ आज हमारी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर LK गुप्ता, जो कि ENT सर्जन हैं, जिनसे आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में कि थायराइड आखिर क्या होती है। सबसे पहले हम दर्शकों डॉक्टर का स्वागत करना चाहेंगे। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सी हेल्थ के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि थायराइड की प्रॉब्लम जो है आजकल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो सबसे पहले जानना चाहूंगी आखिर डॉक्टर थायराइड है क्या? थायराइड एक एंडोक्राइन ग्रंथि होती है जो हमारे शरीर में है, गले में पाई जाती है, या जो हड्डी सी उभरी हुई होती है उसके ठीक नीचे होती है जी। एक तितली के आकार की होती है जी, जिसके दोनों तरफ पार्से होते हैं, बीच में आपस में जुड़ी होती है जी, जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। और सामान्यतः इसका वजन 25 से 30 ग्राम होता है जी। और ये करीब चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर और लंबाई में 7 सेंटीमीटर के आसपास होती है जी। आजकल ये थायराइड की समस्या काफ़ी बढ़ती जा रही है जी। कुछ जैसे आपने देखा होगा, कुछ लेडीज़ हैं जो खाना तो नॉर्मल खा रही हैं, रेगुलर एक्सरसाइज कर रही हैं, लेकिन एकदम से वजन उनका बढ़ जाता है जी। हमारे शरीर के अंदर थायराइड से पूरी शरीर की मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होती है जी। इसमें थोड़ी सी भी कमी या खराबी आने पे पूरा शरीर में डिस्टरबेंस हो जाता है जी। थायराइड के लिए जैसे हमारे कमरे में एक AC लगा रहता है जी, जो कि थर्मोस्टेट, जैसे AC की कूलिंग जब कमरे में ज़्यादा हो जाती है जी, तो AC अपने आप बंद हो जाता है। ऐसे ही जब कूलिंग कम हो जाती है तो AC चालू हो जाता है, उसका एक थर्मोस्टेट सिस्टम होता है जी। इसी तरह कुदरत ने हमारे शरीर के अंदर थायराइड ग्रंथि से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें हम T3 T4 कहते हैं जी। T3 ट्राईआइडोथायरोनिन होता है और T4 थायरोक्सिन हार्मोन होता है जी। T3 में आयोडीन के 3 एटम होते हैं और T4 में आयोडीन के 4 एटम होते हैं जी। थायराइड के अंदर से ये केमिकल कम निकलते हैं या ज़्यादा निकले हैं या नॉर्मल निकले हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे शरीर के अंदर, दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है और इसको कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस, जो दिमाग के अंदर का एक हिस्सा है जी। जब हमारे शरीर के अंदर T3 T4 हार्मोन्स कम बनने लगते हैं, T3 T4 का लेवल जैसे ही कम होता है तो पिट्यूटरी को सिग्नल मिल जाता है जी। तो वहाँ से TSH हार्मोन का सीक्रेशन होने लगता है जी, जो हमारे थायराइड ग्रंथि को आदेश देता है कि T3 T4 का लेवल बॉडी के अंदर बढ़ाओ, उसको और निकालो। और जब इसका उल्टा होता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि से TSH कम निकलने लगता है जी। बिल्कुल जस्ट लाइक हमारे कमरे के अंदर जो AC है उसके थर्मोस्टेट की तरह ही ये कुदरत ने हमारे अंदर, शरीर के अंदर बना रखा है जी। डॉक्टर, इसके साथ मैं अगर जानना चाहूँ, आपने बताया कि मोटापा एक कारण, एक लक्षण कह सकते हैं कि महिलाओं में पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर कुछ महिलाओं में आजकल ये भी देखा जाता है कि महिलाएं कुछ जो हैं वीक होने लगती हैं, उनका दिन पर दिन वजन कम होने लगता है, क्या हम इसको भी थायराइड का लक्षण कह सकते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा जी। थायराइड में दो तरह की बीमारी होती हैं, एक हाइपोथायरॉयडिज्म जिसमें थायराइड हार्मोन शरीर के अंदर कम बनता है T3 T4, और हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें T3 T4 हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा बनता है जी। ये थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म बीमारी 80% महिलाओं में मिलती है जी। आजकल 4 से 6% लोगों में, 100% अगर पॉपुलेशन है तो 4 से 6% लोगों में थायराइड की समस्या पाई जा रही है जी। ये थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है, पहले इसकी जांचें नहीं होती थी इसलिए मालूम नहीं पड़ता था कि थायराइड की कमी है या नहीं है जी। लेकिन अब मरीज काफ़ी जागरूक हो गए हैं और कुछ मरीज आके खुद कहते हैं कि हमारी थायराइड की जांच करा दिए जी। मतलब लोगों में अब जागरूकता आ गई है कि लोग अब टेस्ट करवाते हैं। डॉक्टर, आपसे से टेस्ट की बात की तो मैं उसके बारे में जानना चाहूँगी कि आप लोग थायराइड को डायग्नोस किस तरीके से करते हैं, क्या टेस्टिंग होती है इसकी? थायराइड की जाँच के लिए हमारे पास
ब्लड टेस्ट होता है जिसे खून से जांच करते हैं, जिसमें हम लोग T3, T4 और TSH का लेवल देखते हैं। जी। अगर T3, T4 नॉर्मल है जी। या उनकी वैल्यू कम है जी। या ज़्यादा है, TSH की वैल्यू कम है या ज़्यादा है। आमतौर पर जब T3, T4 की वैल्यू खून के अंदर बढ़ जाती है जी। तो हमारा TSH हार्मोन की लेवल कम हो जाता है, कम हो जाता है जी। और जब T3, T4 कम हो जाता है ब्लड में तो TSH का लेवल बढ़ जाता है। इससे हमें मालूम पड़ जाता है हमारे अंदर थायराइड की कम हो रहा है या बढ़ रहा है। हाइपोथायरॉयडिज्म है तो T3, T4 कम होंगे, हाइपरथायरॉयडिज्म है तो T4, TSH जी उल्टा हो जाएगा जी। तो डॉक्टर, इसका मतलब आपने बताया कि इस हिसाब से आप लोग टेस्ट करते हैं, तो मोटापा और अगर होता है तो, और उसके जो कम, अगर वजन कम होता है तो उसका टेस्ट भी इसी तरीके से किया जाता है कि थायराइड की निशानी हम कह सकते हैं कि अगर कुछ हाँ। लोग दिन पर दिन दुबले होते जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं उसके बाद भी वो कमज़ोर रहते हैं, तो उनको भी थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, थायराइड के, अभी मैं आप लोगों को थायराइड के लक्षण बताऊँगा जी, जिससे आपको अपने अंदर अंदाज हो जाएगा कि हमारे में इस तरह के कोई लक्षण तो नहीं है जी। थायराइड टेस्टिंग की जो आपने बात करी थी, हम लोग थायराइड टेस्टिंग, और जैसे थायराइड ग्रंथि अगर यहाँ फूल जाए जिसको हम लोग घेंगा रोग भी कहते हैं जी, तो उसको FNAC करके भी जांच करते हैं कि ये थायराइड खतरे वाली है, कैंसर है या हल्की फुल्की वैसी बिनाइन बीमारी है जी। तो उसमें FNAC होती है जिसको फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी कहते हैं जी। इसके अंदर एक सुई लगा के उसके अंदर का जूस निकाल के स्लाइड पर बना दिया जाता है, जिसको फिर माइक्रोस्कोप से देख के पैथोलॉजिस्ट बताते हैं कि इसके अंदर थायराइड में खतरे, कैंसर की बीमारी तो नहीं है, सादा बेनाइन डिसीज़ है। और अगर उससे भी FNAC से कई बार हम निश्चित कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाते हैं तब उसके लिए बायोप्सी होती है, थायराइड में से एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लिया जाता है और उसको पैथोलॉजिस्ट उसको वैक्स में रखते हैं, उसका ब्लॉक बनाते हैं, उसको फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप में देखते हैं, जिससे यह मालूम पड़ जाता है कि थायराइड में कैंसर है या नहीं है, या नहीं है खून की जांच। अब आते हैं थायराइड के लक्षण जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है जी। सबसे पहले मैं आपको हाइपोथायरॉयडिज्म से शुरू करूँ क्योंकि 80% जो थायराइड की बीमारी होती है 80% हाइपोथायरॉयडिज्म। सबसे पहले हमारे दिमाग से शुरू करें, मेटाबॉलिज्म कम होता है तो दिमाग में सुस्ती आती है, आदमी एकदम सुस्त पड़ा रहता है, उसके बाद हृदय की गति धीमी बढ़ जाती है जी। हम लोग अपनी हृदय की गति पल्स रेट से पता करते हैं जी। अंगूठे की तरफ अगर आप यहाँ नीचे दो उंगली लगाएंगे, तीन उंगली लगाएंगे जी। तो आपको अपनी धड़कन महसूस होगी जी। अगर एक मिनट में 72 से कम धड़कन आ रही है जी। तो एक ये भी लक्षण है थायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म का जी। कई कारण होते हैं पल्स रेट कम होने के जी। जैसे कि एथलीट है वो लोग अपने हार्ट को इतना स्ट्रांग बना लेते हैं दौड़ के, उनकी कैपेसिटी इतनी बढ़ जाती है कि उनका हार्ट इतना स्ट्रांग हो जाता है तो कम समय में ही बीट करके वो पूरे शरीर को ब्लड दे देता है, तो ऐसे में उनकी भी धड़कन कम आती है। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं जिनको एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं होती उनकी धड़कन अगर कम हो रही है, पल्स रेट 72 से कम आ रही है, 2-4 की कोई वैल्यू नहीं है, 70 आ गए, 68 आ गए, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा कम आ रही हैं तो वे एक बार को सोच सकती हैं कि उनको थायराइड का लक्षण हो सकता है जी। दूसरा हृदय की गति, हमारी आंतों की लहरें भी थायराइड से नियंत्रित होती हैं, अगर आंतों की लहरें कम हो जाती हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज रहने लगता है जी। शरीर में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है, शरीर फूलने लगता है, आप खाना पूरा खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन आपका वजन बढ़ता जा रहा है, फूलते जा रहे हैं जी। तो ये हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण होते हैं। और स्किन आपकी पीली पड़ जाती है, खुरदरी हो जाती है, पेल स्किन, विटेल स्किन, फ्रेजाइल हो जाती है स्किन, ये भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म के लक्षण है। वजन बढ़ना, हार्ट रेट कम होना, स्किन पीली होना, सुस्ती आना जी। जोड़ों में दर्द भी, मसल पेन, ये भी एक हाइपोथायरॉयडिज्म का लक्षण है, जिससे हमें ये मालूम पड़ जाता है कि थायराइड ग्रंथि हमारी सही काम नहीं कर रही है। ऐसे मरीजों के ब्लड में T3, T4 कम आते हैं और TSH बढ़ा होता है जी। अब हम दूसरा पक्ष देखते हैं कि अगर थायराइड हार्मोन हमारे बढ़ जाएं, T3, T4 शरीर के अंदर अगर बढ़ा हुआ हो तो ये हमारे इंडिकेट करता है कि हमारे शरीर के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है,
जब केमिकल ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दिमाग में एंजाइटी, नर्वसनेस, चिंता ज़्यादा रहती है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है, शरीर का वजन, हम खाना बराबर खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन वजन कम होने लगता है, आंतों की लहर बढ़ जाती है तो डायरिया हो जाता है, हृदय की गति बढ़ जाती है, पल्स रेट आपकी बढ़ी हुई आएंगी, 72 की जगह 80, 85, 90 आ सकती हैं, और लेडीज़ में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज हो जाती हैं, प्रेगनेंसी में दिक्कत आती है, थायराइड की प्रॉब्लम है, प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ जाती है जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि प्रेगनेंसी में भी दिक्कत आ जाती है, अगर मैं बात करूं, अगर कोई महिला अगर थायराइड उसको हो रखा हो उस टाइम पर, अगर वो प्रेग्नेंट हो, जब शिशु जन्म लेता है तो क्या उस बच्चे को भी होने की संभावना रहती है थायराइड की? थायराइड बीमारी एक कंजेनाइटल बीमारी है जी, ये अनुवांशिक बीमारी है, ये माँ से बेटी में, बच्चों में आने की संभावना होती है जी। किसी परिवार में नानी, मौसी, बहन वगैरह अगर थायराइड की दिक्कत है जी, तो ये संभावना बच्चों में भी आ सकती है, जिसको हम लोग कंजेनाइटल थायराइड डिजीज़ कहते हैं, और इसमें बच्चे का भी थायराइड का टेस्ट करा लेना चाहिए डिलीवरी के बाद। और जब हम थायराइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसका थायराइड की दवा की मात्रा भी बढ़ा दी जाती है जी, ताकि उसके शिशु को ना हो। हाँ, उसमें उसको कंट्रोल है, उसमें थायराइड हार्मोन्स की कमी ज़्यादा हो जाती है उस समय प्रेगनेंसी के टाइम जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि अनुवांशिक होते हैं थायराइड की परेशानी, अनुवांशिक भी देखी जाती है, तो उसके साथ अगर मैं बात करूँ कि ज़्यादातर जो केसेस होते हैं थायराइड के, क्या वो अनुवांशिक ही होते हैं या नॉर्मली भी? नहीं, नॉर्मली भी होता है, पहले आयोडीन की डेफिशिएंसी से काफ़ी थायराइड की, हिमालय के तराई वाले रीजन में जहाँ आयोडीन कम मिलता था जी, वहाँ पर भी ये समस्या बहुत ज़्यादा आई जाती थी जी। अब से जब से आयोडाइज नमक हम लोग इस्तेमाल करने लगे हैं जी, तो आयोडीन की कमी से होने वाली थायराइड की बीमारी कम होती जा रही है, क्योंकि आयोडीन की हमारे को सप्लीमेंट मिल रहा है, लेकिन ये थायराइड की कई, कुछ लोगों में कोई कारण नहीं होता है फिर भी थायराइड की समस्या हो जाती है, ज़रूरी नहीं है अनुवांशिक कारण हो, कई कारणों में अपने आप भी हो जाती है, किसी को अगर रेडिएशन मिला है तब भी थायराइड की दिक्कत हो सकती है उसको जी। डॉक्टर, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो बदलते हुए पर्यावरण के वजह से भी बोल सकते हैं कि आज जो केसेस हैं थायराइड के ज़्यादा देखे जा रहे हैं पहले के मुकाबले? पहले भी थायराइड की समस्या होती थी, क्योंकि पुराने टाइम में भी आप देखें तो कुछ लेडीज़ का वेट काफ़ी बढ़ा हुआ होता था जी, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है, खून की जाँच वगैरह रूटीन के ऑपरेशन में भी TSH का टेस्ट करा लिया जाता है जी, जिससे कि मालूम पड़ जाता है कि थायराइड में की समस्या तो नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन के टाइम में अगर हाइपरथायरॉइडिज्म है तो एक थोड़ा सा खतरा रहता है, उसमें थायराइड का लेवल कोशिश करी जाती है नॉर्मल करके ही थायराइड के ऑपरेशन करे जाएं, तो इसलिए जो जांचें अब अवेयरनेस बढ़ रही है उसके कारण भी थायराइड की बीमारी ज़्यादा मालूम पड़ रही है, कुछ लोग सोचते हैं कि डॉक्टर लोग ज़बरदस्ती जाँचें करा रहे हैं, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होता है, कई बीमारियाँ इन जाँचों से ही पकड़ में आ जाती हैं जी। दर्शकों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर एल के गुप्ता, जो कि ENT सर्जन हैं, जिनसे आज हम बात कर रहे हैं कि थायराइड आखिर क्या होता है, क्या कारण है जिस वजह से आज इतनी ज़्यादा संख्या में थायराइड की समस्या बढ़ती जा रही है। मगर दर्शकों, अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम सी हेल्थ में। दर्शकों, मैं हूं आपके साथ मानसी जैन, और आज हम चर्चा कर रहे हैं थायराइड के बारे में, और इसी चर्चा को खास बनाने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर एल.के. गुप्ता, जो कि ENT सर्जन हैं, जिससे आज हम बात करें कि थायराइड की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने डॉक्टर से बात की थी कि आखिर थायराइड के क्या कारण होते हैं, किस वजह से थायराइड की समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। दर्शकों, हम बात करेंगे इसके इलाज के बारे में। डॉक्टर्स, के इलाज की बात की जाए तो थायराइड का इलाज क्या है? थायराइड में देखिए, सबसे कुछ ये है कि हमें अपने खान पान में क्या बदलाव करना है जी। जिनको थायराइड की बीमारी होती है उनको नारियल का तेल फ़ायदा करता है, गाजर है, टमाटर है जी। जो लोग नॉन वेज खा लेते हैं उनके लिए अंडा है,
मछली, चिकन, ये थायराइड की बीमारी में ये फ़ायदा करते हैं जी। जिनको हाइपोथायराइडिज्म है उनको आयोडीन का टाटा सॉल्ट या किसी भी ब्रांड का आयोडाइज नमक लेना चाहिए। जिनको हाई और इसमें सोयाबीन और फूल गोभी, पंद गोभी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जी। ये थायराइड के मरीज में और नुकसान पहुंचा देते हैं। थायराइड के इलाज के लिए हमारे पास अब काफ़ी लेटेस्ट दवाइयां आ चुकी हैं। जिन किसी का T3 T4 कम आता है, उनको थायरोक्सिन की कमी होती है, तो हम लोग थायरोक्सिन के नाम से, एल्ट्रोक्सिन के नाम से कई ब्रांड से दवाइयाँ आती हैं जो 25 माइक्रोग्राम, 50, 75, 100 इस तरह जिस रेशो में उनका कमी होती है उस रेशो में उनको दवाइयाँ देते हैं। ये रोज़ सुबह खाली पेट खानी चाहिए थायराइड की दवा। थायराइड की दवा की कितनी मात्रा है, इसके लिए एक टाइट्रेशन मेथड होता है। सबसे पहले हम लोग हायर डोज में शुरू करते हैं जी। 3 महीने बाद थायराइड का दोबारा टेस्ट कराते हैं जी। थायराइड का जब टेस्ट कराएं तो दवाई खाते हुए कराएं, ऐसा ना, कुछ लोग 4-5 दिन के लिए दवाई छोड़ देते हैं उसके बाद टेस्ट कराते हैं, तो उसमें हम लोग सही कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं कि अब हमें आगे कितनी मात्रा बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। तो इसलिए थायराइड का टेस्ट करने के बाद अगर किसी का, जैसे हमने 50 माइक्रोग्राम की उसे टैबलेट दी एल्ट्रोक्सिन और उसका TSH अभी भी बढ़ा हुआ आ रहा है जी, तो हम लोग 50 की जगह फिर 75 या 100 करते हैं जी, जैसी ज़रूरत होती है। और लेकिन अगर TSH कम हो गया 50 देने के बाद, तो उसको फिर 25 पे ले आते हैं जी। तो ये हर 3 महीने बाद, शुरू में 2-3 महीने बाद टेस्ट करा के देख लेते हैं कि हमें थायराइड की मात्रा कितनी कम रखनी है, कितनी ज़्यादा रखनी है। थायराइड की बीमारी बहुत लंबी बीमारी है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सालों इसका इलाज चलता है जी। इसमें नागा नहीं करनी चाहिए, सुबह अपनी बराबर दवाई लेनी चाहिए जी। क्योंकि दवाई की नागा करेंगे तो हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब हो जाएगा, शरीर की मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगी। और हाइपरथायरॉइडिज्म में हमारे यहाँ प्रोपाइल थायरोयूरेसिल और प्रोपेनॉल मेडिसिन चलती हैं, और इसमें नियोमरकाजोल टैबलेट्स आती हैं। ये सब T3 T4 को, हमारे लेवल को कम कर देती हैं। और आप मरीज घबराहट कम करने के लिए हम लोग प्रोपेनॉल टैबलेट देते हैं, जिससे मरीज को थायराइड हाइपरथायरॉइडिज्म के सिम्टम्स में आराम आता है। इसका भी वही सिद्धांत है कि कितनी मात्रा में देनी है, इसको भी 3-3 महीने बाद टेस्ट करके देखते हैं TSH हमारा कितना कम हो गया, T3 T4 कितने कम हो गए, कितने ज़्यादा हो गए, उसके हिसाब से दवाइयों की मात्रा निर्धारित करी जाती है। इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ पेशेंट जैसे एक बार थायराइड की टैबलेट चालू हो गई, 50 की चालू हो गई, 2-2 साल तक वो टेस्ट नहीं कराते, ना डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और अपने आप ही खाते रहते हैं जी। तो अब मालूम नहीं पड़ पाता है कि उनको 50 की ज़रूरत है कि 75 की ज़रूरत है या 100 की ज़रूरत है या 25 की ज़रूरत है। तो हर 3 से 6 महीने के बीच में थायराइड का टेस्ट करा लिया जाना चाहिए। अब थायराइड टेस्टिंग की तो हर जगह सुविधा है आगरा में जी। बाहर की भी कुछ लैब्स अपनी ब्रांचेस खोल दी हैं जो इंडिया में केवल थायराइड पर ही काम कर रही हैं। तो अपने थायराइड की टेस्टिंग किसी अच्छी लैब से जरूर करा लिया करें हर 3 महीने बाद, और डॉक्टर से कंसल्ट करा करें जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि लोग भूल जाते हैं और करवाते नहीं, तो ज़्यादातर आपके पास केसेस कब आते हैं लोग थायराइड का लेके, कि मतलब इग्नोर करते जाते हैं उस चीज़ को कि नहीं ऐसी होगी प्रॉब्लम, तब आते हैं, या उनको थोड़ा सा भी अगर उनको महसूस होता है ऐसा कुछ, या आपके पास तुरंत आते हैं? ज़्यादातर मरीज आपके पास किस तरह के आते हैं? ये मरीज को तुरंत तो नहीं मालूम पड़ता है जी। जो सिटी के पेशेंट होते हैं, शहर के, उनमें अवेयरनेस ज़्यादा होती है जी, वो लोग तो रेगुलर करा लेते हैं। लेकिन जो हमारे गांव के मरीज हैं जी, उन लोगों में ये समस्या रहती है, उनको आने जाने की परेशानी होती है, पूरा दिन खराब करना पड़ता है आने जी, में फिर जाँच के बाद 1 दिन बाद रिपोर्ट मिलेगी जी, तो फिर दोबारा आना पड़ता है, तो थोड़ा सा उन लोगों में ये समस्या रहती है। तो उनके में रेगुलरिटी इतनी नहीं रह पाती, वो दवाई की इम्पोर्टेंस भी थोड़ा कम समझ पाते हैं, तो वो रेगुलर दवाई भी नहीं लेते हैं। दवाई ख़त्म हो गई तो मालूम पड़ा 15-15 दिन 1-1 महीने दवाई नहीं खाई। तो थोड़ा सा हमारे, अब तो TV एक ऐसा साधन है कि हर गांव-गांव तक पहुंच गया है जी, तो लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है जी, हेल्थ के लिए लोग अब बहुत कॉन्शियस हो गए हैं जी। अब जो हमारी इन्फेक्शियस डिजीज़ बीमारी थी वो भी इसीलिए कम हो गई हैं कि आज आदमी RO का पानी पीता है जी, तो पेट की डायरिया वगैरह इस तरह की बीमारी कम हो गई है। धीमे धीमे अवेयरनेस बढ़ रही है
जी बिल्कुल कह सकते हैं कि डॉक्टर ने बिल्कुल ठीक कहा, जो हम लोग इग्नोर कर देते हैं, दवाइयाँ चलती हैं उसको स्किप कर देते हैं कि नहीं बाद में ले लेंगे, उसकी वजह से वो आगे और भी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए अपनी दवाइयाँ आप लोग टाइम पे लीजिए और उसका टाइम पे चेकअप भी करवाएं। डॉक्टर, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, आपने बताया पैथोलॉजी के बारे में, इसके साथ अगर मैं बात करूँ आयुर्वेद और होम्योपैथी के बारे में, तो इसका इलाज क्या उसमें भी संभव है? हाँ, जो आयुर्वेद और होम्योपैथी के, मैं एक एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, होम्योपैथी और आयुर्वेद का इतना ज्ञान नहीं है हम लोगों को जी। लेकिन कुछ पेशेंट हमारे बताते हैं उन्होंने होम्योपैथी का इलाज लिया और वो लोग संतुष्ट हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आयुर्वेद और होम्योपैथी भी काम करती हैं। आयुर्वेद तो मेन खान पान पर ही ध्यान देते हैं उनके, पैथी उस पर शरीर के गर्म और ठंडे तापमान पर उनकी सारी मेडिसिन चलती हैं जी। तो हमारी पुराने समय से चली आ रही है आयुर्वेदिक परंपरा, तो उसमें भी जो लोग एलोपैथी दवाई पसंद नहीं करते हैं या किसी कारण से एलोपैथी डॉक्टर पर नहीं आना चाहिए उनको ट्राई करना चाहिए। लेकिन अगर उनका 3 महीने से 6 महीने के में टेस्ट में परिवर्तन सही नहीं आ पा रहा है जी, तो उन्हें फिर एलोपैथी पे आ जाना चाहिए, फिर अपना बीमारी को बढ़ाना नहीं चाहिए जी। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि इसका टाइम जो इसका इलाज का है चलता रहता है, फिर भी इसके टाइम ड्यूरेशन कितनी होती है कि उतने टाइम तक इसका मतलब कंट्रोल किया जा सकता है, ये ठीक रह सकता है, इसका कितना समय लगता है आखिर इलाज में इसके पूरे? इसमें डिपेंड करता है कि हमारी थायराइड की समस्या क्यों आई जी। किसी में अगर थायराइड में कोई कैंसर हो जाता है या थायराइड हमें किसी भी कारण से निकालनी पड़ जाती है जी, अगर पूरी थायराइड निकालनी पड़ गई जी कैंसर में, तो फिर तो ज़िंदगी भर हमें थायराइड के हार्मोन्स खाने पड़ेंगे जी। लेकिन कुछ लोगों में 2-3 साल बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके थायराइड की एल्ट्रोक्सिन की मात्रा कम करती जाती है और कई बार नॉर्मल में भी आ जाते हैं, तो 2 से 4 साल तो मिनिमम खानी है, उसके बाद उनका शरीर कितना कोऑपरेट कर रहा है, कितनी बीमारी उनकी दूर हो पा रही है जी, तो ये उस पर भी निर्भर करता है। तो ये थायराइड का इलाज लंबा चलता है, लोगों को सालों दवाइयाँ खानी पड़ती हैं जी। और इसके इलाज में जब थायराइड की ग्रंथि इतना बड़ा साइज हो जाए कि वो हमारी सांस की नली और खाने की नली पे दबाव देने लगे, हमें खाना निगलने में दिक्कत होने लगे जी, तब भी हमें थायराइड का ऑपरेशन कराते हैं। सर्जरी भी थायराइड की बीमारी का एक इलाज है जी। वो भी तभी जब थायराइड ग्रंथि काफ़ी बढ़ गई हो जी। अब तो बहुत लेटेस्ट टेक्निक आ गई हैं थायराइड की, उसमें रोबोटिक सर्जरी से भी थायराइड निकाली जाती है, क्योंकि थायराइड सर्जरी में गले में एक लंबा निशान आता है, कुछ लेडीज़ को वो पसंद नहीं होता है जी। तो अब थायराइड का यहाँ पे इंसिजन देके रोबोटिक सर्जरी से रोबोट की एक आर्म जाके अंदर ही अंदर से जी उसको थायराइड को निकाल देती है, उसमें केवल यहाँ पर एक छेद बनाना पड़ता है जी, उसी से सारा ऑपरेशन हो जाता है, बाहर बड़ा चीरा नहीं आता। लेकिन अभी आगरा में रोबोटिक सर्जरी नहीं आई है, अवेलेबल नहीं है, और रोबोटिक सर्जरी काफ़ी महंगा है क्योंकि 80 करोड़ की तो केवल रोबोटिक मशीन ही आती है जी, जो कि एक बड़े बड़े सेटअप में भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इंडिया में भी कुछ ही जगह पे भी रोबोटिक सर्जरी चालू ही है जी। लेकिन धीमे धीमे जब इसके रेट कम होंगे रोबोटिक सर्जरी के रोबोट, तो अब शायद ये आगरा में भी संभव हो जाए और लोगों को बिना निशान के, छोटे से निशान से थायराइड की सर्जरी संभव हो जाए। थायराइड में कई बार हाइपर थायराइडिज्म में कुछ लोगों में आँखें बाहर की तरफ भी उभर आती हैं और ट्रेमर आते हैं जी। अगर आप हाथ को अपना बिल्कुल सीधे करें जी और उंगलियां ऐसे फैला लें जी, तो जिनमें हाइपरथायरॉइडिज्म होता है उनकी उंगलियां इस तरह कंपन करती हैं जी, तो इससे भी हम हाइपरथायरॉइडिज्म को पता कर लेते हैं जी। या सुई में धागा डालें तो हाथ में कंपन आता है जी, ये भी हाइपरथायरॉइडिज्म की एक निशानी है। निशानी है जी, बिल्कुल। डॉक्टर, जैसे आपने बताया कि रोबोट सर्जरी की जाती है और नॉर्मल सर्जरी भी होती है, उससे भी किया जाता है, तो सर डॉक्टर इसमें टाइम कितना लगता है सर्जरी और रोबोट सर्जरी और नॉर्मल सर्जरी में? रोबोटिक सर्जरी में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है जी, लेकिन नॉर्मल सर्जरी में भी कई कॉम्प्लिकेशन होते हैं जी, इसलिए थायराइड सर्जरी थोड़ा रिस्की मान के चलते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं, हमारे जो भी खून की नलियां हैं हृदय से लेके दिमाग को जो जाती हैं वो सब गले के रास्ते से ही जाती हैं, थायराइड के आसपास खून की नलियां होती हैं जिनकी ब्लीडिंग के चांस होते हैं, ऑपरेशन के टाइम में रिस्क होता है जी। एक थायराइड सर्जरी करते समय एक सबसे महत्वपूर्ण नर्व होती है जिसको रिकरेंट लैरिंजियल नर्व कहते हैं जी, जो खाने की नली और सांस की नली के बीच में से ऊपर आ रही होती है जी, और वो थायराइड में उसके कटने की संभावना रहती है अगर वो थायराइड ग्रंथि से चिपकी हुई हो जी। अगर वो कट जाती है तो मरीज की आवाज़ भारी हो जाती है और उसको हॉर्सनेस, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में हॉर्सनेस कहते हैं, वो हो जाती है। अगर वो किसी कारण से दोनों साइड की कट जाती है तो मरीज को
खाना निकलते समय भी उसका पानी वगैरह सांस की नली में जाने की संभावना होती है, जिसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया के चांस बढ़ जाते हैं। तो थायराइड सर्जरी एक्सपर्ट हैंड से ही कराएं, और ये थोड़ा सा रिस्की होती है जी, इसमें बहुत सावधानी है, सर्जन भी बहुत केयरफुल होके करते हैं जी। डॉक्टर्स के साथ अगर बात करें, सर्जरी अगर कोई व्यक्ति करवाता है तो उसको कितने, उसके बाद उसको कितने समय तक उसको बेड रेस्ट करना होता है, और उसके बाद उसको क्या क्या प्रिकॉशन अपनाने होते हैं? थायराइड सर्जरी का ये एक बार सर्जरी होने के बाद काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि पेट की सर्जरी होती है तो मरीज को एक एक हफ्ते बिस्तर पर लेटना पड़ता है जी। थायराइड सर्जरी में 24 से 48 घंटे के बाद आमतौर पर अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो हॉस्पिटल से छुट्टी हो जाती है जी। और उसके बाद 2-3 दिन बाद वो अपने घर के घरेलू काम कर सकता है मरीज। तो इसलिए थायराइड सर्जरी में बस एक सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज सर्जरी होने के बाद पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। कई बार थायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड ग्लैंड भी चिपकी होती हैं और उनको भी चोट पहुंचने की संभावना होती है, जिनसे हमारे शरीर का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म कंट्रोल होता है जी, तब भी थोड़ा दिक्कत हो जाती है, कैल्शियम की कमी होती है कुछ समय तक, तो कैल्शियम देना पड़ता है अलग से सप्लीमेंट्री। अगर सारी चार पैराथायराइड ग्लैंड्स होती हैं, अगर चारों को नुकसान पहुंच जाए, उनकी ब्लड सप्लाई को नुकसान पहुंच जाए तो हमें कैल्शियम लंबे समय लेना पड़ता है जी। डॉक्टर्स के साथ अगर बात करूं एक्सरसाइज की, जो एक्सरसाइज आजकल हम हर व्यक्ति को करना चाहिए, वो उसकी ज़रूरत है, उसको करना चाहिए, तो इसके साथ अगर मैं बात करूं थायराइड में कितनी उसकी अहम भूमिका है एक्सरसाइज की? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है जी। आज हमारे समाज में एक्सरसाइज का रोल बहुत ज़्यादा है, हर बीमारी में एक्सरसाइज का रोल है जी। थायराइड में जिनको हाइपोथायराइडिज्म होता है उनका बॉडी का मेटाबॉलिज्म काफ़ी कम हो जाता है जी, और जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, तो हम लोग एक तरह से अपने थायराइड हार्मोन का थोड़ा कवरेज एक्सरसाइज से भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, बॉडी की ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, हार्ट रेट बढ़ेगी, तो जो थायराइड के कारण हमारे शरीर में कमियाँ आ रही होती हैं उन सबको हम लोग कंपनसेट कर लेते हैं एक्सरसाइज से। तो थायराइड के मरीज को सुबह ज़रूर टहलना चाहिए, अगर कम एज है तो दौड़ लगानी चाहिए, ज़्यादा एमर है तो टहलना ज़रूर चाहिए, ये एक बहुत अच्छा थायराइड के इलाज में सहयोग करता है जी। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक्सरसाइज तो आजकल हर व्यक्ति को करनी चाहिए, चाहे वो थायराइड से उसको, चाहे थायराइड की बीमारी हो या फिर नॉर्मल इंसान को भी एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए अगर उसको हेल्दी लाइफ जीनी है तो। डॉक्टर्स के साथ मैं अगर बात करूँ एज की, तो इसमें क्या कोई एज होती है, इसमें क्या बच्चों को भी होने की संभावना रहती है थायराइड की? हाँ, जब कंजेनाइटल थायराइड होती है तो बच्चों को संभावना होती है, आमतौर पर ये 60 साल से ऊपर की एज में लेडीज़ में ज़्यादा मिलता है जी, और जब थायराइड का कैंसर होता है तो वो 30 से 60 के बीच में भी ज़्यादा मिलता है, कंजेनाइटल भी होती है तो थायराइड की, और 80% केस में ये लेडीज़ में मिलती है जी, 20% केस में ये जेंट्स में मिलती है, इसलिए थायराइड की समस्या लेडीज़ में ज़्यादा है, तो उनको जब भी कोई बीमारी हो, खून का टेस्ट हो, तो उन्हें T3, T4, TSH जरूर एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह उसको करा लेना चाहिए, चाहे 2-3 साल में एक बार करा लें, उससे उन्हें मालूम पड़ जाएगा उनको बीमारी है या नहीं, या नहीं है। अगर बीमारी है तो फिर तो रेगुलर उसका ट्रीटमेंट कराएं, रेगुलर इन्वेस्टिगेशन कराएं, अगर नहीं आती है तो एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1.5-2 साल बाद, क्योंकि आजकल हम लोगों के हेल्थ अवेयरनेस बढ़ रही है, कई कंपनियाँ एक प्रोफाइल पूरा देती हैं कि इतने सारे हम टेस्ट कर रहे हैं जी। साल 2 साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए जी। कुछ योजनाएँ हैं, कुछ प्राइवेट कंपनियों की योजनाएं होती हैं जिसमें TPA कंपनियां होती हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, उनमें भी कुछ कवरेज होता है जो 5 से 10 हज़ार रुपये लगते हैं, तो आप लोगों को अपना पूरा टेस्ट करा लेना, बॉडी के किडनी फंक्शन, लेवर फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल, ये सब करा लेना चाहिए, ये आज के समय की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आप अपने सारे काम अच्छी तरह कर सकते हैं, और अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो आप अपने काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते, माइंड अगर आपका अलर्ट नहीं है तो हर चीज में दिक्कत आती है जी। डॉक्टर, एक सवाल पूछना चाहूंगी, जैसे आपने बोला कि 80% है जो महिलाएं थायराइड की बीमारी से ग्रसित रहती है, तो उसका कारण क्या हम ये मान सकते हैं कि महिलाएं अपने घरेलू कामकाज में ज्यादा व्यस्त रहती हैं, एक्सरसाइज पर, अपने फूड पर ज्यादा ध्यान नहीं देती हैं, इस वजह से थायराइड की बीमारी उनमें ज्यादा देखी जाती है? नहीं, जो 80% जो थायराइड के मरीज हैं उनमें 80% लेडीज हैं, ना कि टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन में तो 4 से 6% लेडीज में मिलती है जी। ये कुछ बीमारियां हम लोगों के शरीर में होती हैं, जैसे एंजियोफाइमा होता है वो केवल जेंट्स में ही होता है, तो ये कुदरती चीज़ें हैं,
इसमें लेडीज़ में ज़्यादा होना या एक्सरसाइज का इतना वो नहीं है, ये बीमारी ही लेडीज़ की मेन है। जी बिल्कुल। दर्शकों आज हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर एल के गुप्ता जो कि एंटी सर्जन हैं, जिससे आज मैंने बहुत सारी जानकारी ली कि आखिर थायराइड के क्या कारण है, किस वजह से थायराइड की इतनी समस्या बढ़ती जा रही है और उसका क्या इलाज है। आज हमने इस पर चर्चा करी डॉक्टर के साथ में। दर्शकों आज अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। इसी के साथ डॉक्टर हम आप जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को उसके साथ क्या मैसेज देना चाहेंगे। देखिए, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जी, सबसे बड़ा है कि आप लोग अपने थायराइड का टेस्ट कराएं। अगर आपको ये लक्षण मिलते हैं, सबसे बढ़िया है कि आप अपनी पल्स रेट देखें, आप वजन देखें, वजन आपका बढ़ रहा है जबकि आप खाना पीना सही खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी वजन बढ़ रहा है जी। तो थायराइड का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। इसे ऐसे स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह लें और कोई टेस्ट में कोई कमी आती है तो उसका फिर ट्रीटमेंट लें। थायराइड का टेस्ट आप सीधे किसी डॉक्टर से कंसल्ट ना करके सीधे पैथोलॉजी के यहाँ जाके भी करा सकते हैं और उसकी रिपोर्ट जब आती है उसमें नॉर्मल वैल्यू साइट में लिखी होती है जी। आप अपनी कंपेयर कर लें कि आपकी नॉर्मल वैल्यू के अंदर अगर थायराइड के हार्मोन्स आ रहे हैं जी। तो आपको किसी डॉक्टर से फिर कंसल्ट नहीं करना है थायराइड के लिए। और लेकिन अगर कोई कमी ज़्यादा आ रही है, कम आ रहे हैं ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप तुरंत कंसल्ट करें डॉक्टर से और प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, क्योंकि बीमारी को बढ़ा के ट्रीटमेंट लेने से बेहतर रहे कि आप ट्रीटमेंट सही टाइम पर लें। जी बिल्कुल। दर्शकों आज हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।